मैं कन्हैया सातनकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के स्वावलंबन विभाग में अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण देता हूँ। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ वहाँ के उद्योग होते हैं। इसमें बहु उद्योग, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग आते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गायत्री परिवार द्वारा सप्ताह आंदोलन चलाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत स्वावलंबन का भी एक आंदोलन है, जिसका कि मुख्य उद्देश्य देश को कुशल स्वावलंबी प्रशिक्षित व्यक्ति प्रदान करना है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों में अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। अगरबत्ती बनाने के लिए मैदा लकड़ी पाउडर, चारकोल पाउडर, लकड़ी का बुरादा और सीक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैदा लकड़ी पाउडर, चारकोल पाउडर और लकड़ी के बुरादे को पानी डाल करके आटे की तरह गूंथ लेते हैं। गूंथे हुए आटे को मशीन के सिलेंडर में भरकर स्टिक तैयार कर लेते हैं। तैयार स्टिक को जाली के फ्रेम में छांव में सुखाते हैं। सूखने के बाद में इसके एक एक किलो के बंडल तैयार कर लेते हैं। तैयार बंडल को हम परफ्यूम करने के लिए सबसे पहले परफ्यूम और DAP ऑयल का मिश्रण तैयार करते हैं। इसमें 1 लीटर परफ्यूम और 4 लीटर DAP ऑयल का मिश्रण तैयार कर एक दिन पहले रख देते हैं। अगले दिन तैयार सॉल्यूशन में 1-1 किलो के तैयार बंडल को डीप करके फिर एक भगोने में छोड़ देते हैं, जिससे कि अगरबत्ती अच्छी तरह से सुगंधित हो जाए। अगले दिन 20-20 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट पैकिंग करके बिक्री के लिए तैयार कर देते हैं। पुराने समय में हमारे ऋषि मुनि वन औषधि और जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित धूप का प्रयोग किया करते थे। नकारात्मक ऊर्जा को भगाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। गायत्री परिवार में वन औषधि और जड़ी बूटियों द्वारा निर्मित अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है। हम अपने प्रशिक्षणार्थियों को इसका भी प्रशिक्षण देते हैं। साकल की अगरबत्ती यहाँ पे बना रहे हैं। इसमें जड़ी बूटी डाल के कपूर काची, नागरमोथा, सुगंध कोकिला और लकड़ी बुरादा, मैदा लकड़ी पाउडर डाल के बनाते हैं। यहाँ पे 8 घंटे में लगभग 10 किलो अगरबत्ती हम बना देते हैं। उस पर 1 किलो पर 30 रुपये बनवाई चार्ज हमको मिलता है। भारत में सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने दैनिक पूजा पद्धतियों में प्रतिदिन अगरबत्ती का प्रयोग करते हैं। हमारे देश की रोजाना अगरबत्ती की खपत 1460 टन है। हमारा देश प्रतिदिन 760 टन अगरबत्ती ही तैयार कर पाता है। शेष अगरबत्ती हम चीन और वियतनाम से आयात कराते हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत आयात पर पूर्ण विराम लगने से अब इसमें रोजगार की संभावना सृजन हो रही है। इस उद्योग को प्रारंभ करने में शुरू में लागत 40,000 की आती है। तैयार माल को बिक्री करने पर 70,000 की आमदनी होती है, जिससे कि एक महीने में कोई व्यक्ति शुद्ध लाभ 30,000 रुपये प्रति माह कमा सकता है। अगरबत्ती बनाने का प्रशिक्षण हेतु आयु सीमा 18 से 50 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता 8वां पास हो तथा शांति कुंज से 9 दिवसीय साधना सत्र किया हुआ अनिवार्य है। अगरबत्ती प्रशिक्षण 10 दिन का है। विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए विभाग में 1 से 3 माह का समय दान कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।